आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर जिले में खेला गया मौत का नंगा नाच, दो साधुओं सहित तीन लोगों की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या। पालघर हत्याकांड में भीड़ की बर्बरता का वीडियो आया है सामने, निहत्थे साधुओं के पीछे लाठी डंडे लेकर भागते नजर आए लोग। तस्वीरों में पुलिसकर्मी के पीछे छिपकर जान बचाने की कोशिश करता नजर आया एक साधु, तमाशबीन बने रहे पुलिसकर्मी, साधु को खींच कर ले गई भीड़। पालघर मर्डर केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश, अब तक 101 आरोपी गिरफ्तार। 9 नाबालिगों को भी लिया गया है हिरासत में, डीजीपी ने 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की दी जानकारी। सीएम उद्धव ने कहा हत्या के पीछे कोई धार्मिक वजह नहीं, सीमा पर संतों को रात के वक्त उस इलाके से गुजरने से रोका गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर की बातचीत, उसका किया जिक्र। गृह मंत्रालय ने कहा हत्या के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे आरोपी, आदित्य ठाकरे का बयान, जघन्य अपराध के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पालघर केस में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पालघर मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से की बात, ट्वीट कर दी जानकारी। योगी ने किया जिक्र जूना अखाड़े के संत स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर के हत्या मामले में सीएम उद्धव ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई का दिया भरोसा, कुछ लोगों की हुई है गिरफ्तारी। साक्षी महाराज का बयान, लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र कूच करेंगे जूना अखाड़ा के साधु संत। चार है इस नृशंस हत्या की, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, पूरी मानवता शर्मसार है। और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधे रुक कर लेते हैं।